हिंदू धर्म में प्रत्येक पर्व त्योहार का विशेष महत्व बताया गया है। माघ का पवित्र माह चल रहा है और माघ के पवित्र महीने में कई व्रत और त्यौहार ऐसे मनाए जाते हैं जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हिंदू पंचांग के मुताबिक माघ माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी का पर्व मनाया जाता है, जिसका सनातन धर्म में मानने वाले लोग बेसब्री से इंतजार भी करते हैं। इस बार बसंत पंचमी का पर्व 14 फरवरी को है। धार्मिक मान्यता के मुताबिक इस दिन माता सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। यह दिन बसंत ऋतु की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना करने से बल बुद्धि के साथ ज्ञान की भी वृद्धि होती है। तो चलिए आज इस रिपोर्ट में जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन माता लक्ष्मी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और बसंत पंचमी में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यानी कि बसंत पंचमी में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसको करने की मनाही होती है।